press the bell icon for all updates. लाइफ में हर एक चीज़ का एंड होता है, कुछ हमेशा के लिए नहीं है। ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी। सो मुझे इतना गम नहीं है क्योंकि सब ऊपर वाले का प्लानिंग सब चल रहा है, सबका प्लान है, कुछ ना कुछ तो सबका हो जाएगा। मेमोरीज़ बहुत अच्छी रही, आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इस कैरेक्टर से, इस जॉब से। एंड अब मैं यहाँ से निकलूँगी स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर एंड अ बेटर एक्टर, क्योंकि डेली सोप का ये एक फ़ायदा है कि आप रोज़ अपनी एक्टिंग पे मेहनत कर सकते हो, रोज़ आप कैमरे के सामने कुछ ना कुछ सीख सकते हो। सो आई हाँ, स्टार्टिंग में एक एपिसोड था जिसमें मुझे बहुत सारे अंडों पे गिरना था, अंडे गिराने थे और फिर मुझे अंडों में गिरना था और फिर अंडे में मैं पड़ी हुई हूँ। वो एक बहुत स्पेशल मेमोरी है मेरे लिए क्योंकि उस दिन हमारे पास एक ही शॉट था, एक ही टेक में हमें वो करना था। हमने कितने रिहर्सल किए, एक तो कैमरा परफेक्ट होना चाहिए और मेरा टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। सो जब हमने 3-4 रिहर्सल किए और सब ओके था तो फिर मेरे डायरेक्टर कुशल ने बोला ओके लेट्स गो फॉर अ टेक। तो फिर मैं बहुत नर्वस हो गई क्योंकि ओ शिट अभी तक तो रिहर्सल कर रहे थे, अभी टेक में क्या होगा, अगर मैसअप हो गया तो 80 अंडे गए, ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, ओ गॉड। लेकिन बूम, वो शॉट अच्छे से हो गया, मैं अंडे में थी, हमने काम ख़त्म किया और उसके बाद जो मेरा दिमाग प्रोसेस करने लगा, ओ माई गॉड हो गया, सब अच्छे से हो गया। सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट सीन। या फैंस के लिए मैं क्या रिवील करूं कि मेरे डायरेक्टर और कैमरामैन जो स्टार्टिंग में थे वो बहुत अमेजिंग थे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, आज भी है। इस पूरे शो से वही दोनों मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं और उनसे मैंने जितना सीखा मैंने किसी और से नहीं सीखा है इस पूरे शो में। आई थिंक फर्स्ट एपिसोड जो हमने शूट किया था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा क्योंकि वो बड़ों का सेटअप था, वो पूरा इंट्रोडक्शन था और उस एपिसोड के एंड में जो वो पंडित जी को स्पीच देती है वो आई थिंक मैं कभी नहीं भूलूंगी। फर्स्ट एंड लास्ट डे दोनों को वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ, फुलफिलिंग। About the whole journey, also rocky. एक बार जो हमारा ट्यूनिंग सेट हो गया तो जब भी हम सीन कर एक बार पढ़ते थे तो एक बार रिहर्स करके फिर हम अपने हिसाब से कुछ अच्छा ही कर लेते थे, तो उसके साथ वो कंफर्ट लेवल था। हाँ, लेकिन उसको अपने फ़ोन से ऑफ करने में बहुत टाइम लग जाता था। फ़ोन छोड़ो। फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या? फ्यूचर प्रोजेक्ट इज़ एन ऑनलाइन शो आई एम डूइंग विच विल गो ऑन एयर इन जून। यू विल फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट इट ऑन माय इंस्टाग्राम। इट्स जस्ट दैट आपके पास सिर्फ 10 एपिसोड होते हैं तो मेहनत ज़्यादा होती है उन 10 एपिसोड्स पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ रोज़ एपिसोड्स बनाने हैं, कभी ख़त्म नहीं होता, तो बस करते रहो। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होती रहती है बट वेब में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फैंस, मैं आपको क्या बोलूँ, आप सब मेरी जान हो, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना प्यार दिया, मुझे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था, एक तो कि मैं
टीवी में लीड रोल करूँगी और मुझे ऊपर से इतना लाइक प्यार मिलेगा. एंड थैंक यू, आपकी वजह से मुझे खुद में ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है. तुम लोग बोलते हो कि मैं आपको इंस्पायर करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे इंस्पायर करते हो. मैं अपने आप से लाइक इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए हूँ क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो. सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू.